सम्मानित अभिभावक बंधुओं, प्यारे बच्चों, शिक्षा का यह जो दौर चल रहा है इसमें हम लोग एक दूसरे के सम्मुख आकर के अपनी अभिव्यक्ति को नहीं कर पा रहे हैं। चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, वह अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन उस इस प्रकार से कर रहा है कि उसके बच्चे, उसके विद्यार्थी उसके द्वारा पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को सीधे कक्षाओं में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम आप लोगों से रूबरू होते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपने अभिभावक बंधुओं से, अपने प्रिय विद्यार्थियों से कुछ अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए रखने के लिए हमारे द्वारा जो आपसे अपेक्षाएं हैं, जो आपसे अनुरोध किया जा रहा है, उसको अनिवार्य रूप से आप पूरा करेंगे। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, विद्यार्थी के आप अभिभावक हैं, साथ ही साथ आप विद्यालय के भी अभिभावक हैं। वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि हम लोगों को अपेक्षा थी कि अगस्त में विद्यालय खुल जाएंगे। जुलाई महीने में हम लोग मेहनत करके अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन उनकी विषय वस्तुओं को उनके पास तक पहुंचाने का प्रयास किए, लेकिन कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में को प्रभावित की हुई है, उसके प्रभाव के कारण अगस्त में भी विद्यालय नहीं खुल पाए। हम लोग पुनः अगस्त महीने की योजना बना करके अपने विद्यार्थियों को शिक्षा बेहतर प्रदान करें, उनकी विषय वस्तु को, उनके पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से नुकसान ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर से हम लोग अगस्त महीने की भी योजना बना करके उनको विषय सामग्री उनके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पढ़ाई जा सकने वाली जो चीज़ें हैं या जो भी पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ा रहे हैं, वह एक वृहद स्वरूप में बच्चों के पास तक पहुँच चुका है। अगर बच्चे अब लापरवाही करते हैं, अभिभावक उनको जिम्मेदारी पूर्वक घरों पर बैठा करके उनका पठन पाठन का कार्य पूरा नहीं कराते हैं, तो हम लोगों द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, हमारे विषय विशेषज्ञ जो वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी जा रही है, वह बच्चों के पढ़ाई के लिए भरपूर है। अगर आपका बच्चा घर बैठ करके 6-7 घंटे घर की पढ़ाई प्लस विद्यालय की पढ़ाई दोनों मिला करके अगर आपका स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ता है और घर पे न्यूनतम 8-9 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 11-12 में है तो उसको भी चाहिए कि वो 8-9 घंटे घर बैठ करके पढ़ाई करे। हम लोग पूरी निष्ठापूर्वक 9-12 तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारा बोर्ड का परीक्षार्थी जो इस बार 10 की परीक्षा देने जा रहा है, जो 12 की परीक्षा देने जा रहा है, हम अपने शिक्षकों से, हम अपने विषय विशेषज्ञ अध्यापकों से अनुरोध करते हैं कि उनको उत्कृष्ट सामग्री प्रदान की जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपने शिक्षकों के द्वारा बनाई गई पीडीएफ फाइल को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर यह नोट्स हमारा बच्चा बना करके तैयार कर लेगा और जो वीडियोज़ उस नोट्स के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए हमारे शिक्षक भेज रहे हैं, उसको भी अगर हमारा बच्चा जिम्मेदारी पूर्वक देख लेता है, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उसको किसी भी तरह से बोर्ड परीक्षा में उसके अंक कम नहीं होने वाले हैं। सम्मानित साथियों, यह दौर खराब चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं। हम लोग भी निश्चित रूप से अपने बच्चों को अपने विद्यालय में ना पा करके उतनी उत्साह और उतनी प्रसन्नता के साथ अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तब भी हमारा विद्यार्थी, जब हम उसको याद करते हैं, उसको स्मृत करते हैं और उसकी आवश्यकताओं को समझते हैं, तो पूरे उत्साह के साथ कक्षा में पहुंच करके हम उन विद्यार्थियों तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम अपेक्षा अपने सम्मानित अभिभावकों से करते हैं कि वे निश्चित रूप से बच्चों के लिए त्याग करें, उनके लिए मेहनत करें। आज के इस दौर में शिक्षा प्राप्त करना भी एक चुनौती का विषय बन गया है। अगर आप उनको समय पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, मोबाइल की सुविधा उनको दिए रहते हैं, साथ ही साथ उनका गाइडेंस भी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा इस दौर में भी पढ़ाई करके अपने आप को सकारात्मक विचारधाराओं से युक्त कर लेगा और उसको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। अगर हम लोग अपने अतीत में जाएं तो देखते हैं कि पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था। हमारे विद्यालय गांव से दूर हुआ करते थे, हम लोगों को बरसात के समय में नदियों को पार करके विद्यालय पहुँचना पड़ता था, अर्थात पढ़ाई में संघर्ष सदैव रहा है। इस दौर में जो संघर्ष है, उसमें हम जितना ज़्यादा डिजिटल होंगे, जितना ज़्यादा ऑनलाइन होंगे, जितना ज़्यादा हम तकनीकी का उपयोग करेंगे, हमारा विद्यार्थी उतना ज़्यादा ही इस संकट के दौर में भी अपने पठन पाठन को मेंटेन कर लेगा। इस वीडियो में हम अपने अभिभावकों से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सजग रहें, उनको समयानुकूल
नेटवर्क उपलब्ध करा दें, उनको समयानुकूल लैपटॉप और मोबाइल निश्चित रूप से दे दें, जिससे हम लोगों द्वारा जो पढ़ाई का कार्य किया जा रहा है उसको हमारा विद्यार्थी बेहतर ढंग से कर सके। अपने विद्यार्थियों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, अभी तक हम लोग 2 महीने जो आपको पढ़ाए हैं उसमें आपने कितनी प्रगति किया है, कितनी निष्ठा के साथ आपने पढ़ाई किया है, उसका मूल्यांकन करने का समय आ गया है। सितंबर महीने की 1 तारीख से ही ऐसे विद्यार्थी जो 9, 10, 11 और 12 में हैं उनके बोर्ड के फार्म और उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। जब विद्यार्थी विद्यालय आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना बोर्ड का फार्म भरने के लिए, तो उस समय उसके लिए सख्त सूचना होगी, सख्त निर्देश होगा कि अभी तक का पढ़ाया गया पाठ्यक्रम उससे संबंधित नोट्स ला करके अपने शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करेगा। यदि उसमें किसी भी तरह की कोई हीला हवाली विद्यार्थी करता है तो निश्चित रूप से हम उसको अच्छा विद्यार्थी नहीं मानेंगे। हम अपने सभी विद्यार्थियों के बेहतर विकास के लिए सदैव लगे रहते हैं। प्रार्थना सभा विद्यालय में होती है, उसमें भी हम आपको नैतिक शिक्षा की बातें, आपके अंदर संस्कार डेवलप करने की बातें निरंतर बताते रहते हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों से पूरी तरह से आश्वस्त भी रहता हूँ कि वे हमारे द्वारा कहे गए, हमारे द्वारा बताए गए रास्तों का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस विश्वास के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब 1 सितंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आपके बोर्ड के फॉर्म भराने के लिए जब आपको विद्यालय में समयानुकूल बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए विभाग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए सीमित संख्या में विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से बुला करके जब आपके फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे, उस समय निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट निर्देश आपके लिए है कि आपके नोट्स आपके साथ स्कूल आएंगे, आप अपने शिक्षकों को उन नोट्स को दिखाओगे। यदि किसी तरह से कोई कंप्लेन उनकी आपके प्रति आती है तो निश्चित रूप से मुझे कष्ट होगा, और जिस मिशन को हम लोग चला रहे हैं उसमें हमको कहीं ना कहीं से आपके द्वारा उचित प्रोत्साहन न मिलने के कारण निराशा आएगी। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करें, अपना नोट्स मेंटेन करें, अपने आप को अपडेट रखें। विद्यालय आपको हर विषय में हर पाठ के संबंधित वीडियोस, PDF फाइल समयानुकूल भेज करके आपके बेहतर शिक्षा के लिए लगा हुआ है। आप भी अपने आप को पढ़ाई के कार्यों में लगाए रखें। हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के आंकड़ों को जब हम लोग देखते हैं तो मैं अपने विद्यालय के उन बच्चों के लिए, अपने विद्यालय की व्यवस्था के लिए गौरव महसूस करता हूँ कि हमारे 90% से ज़्यादा बच्चे कक्षा 9, 10, 11, 12 के ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इससे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है और मुझे भरोसा है कि हमारा विद्यार्थी भी घर पर बैठ करके खूब मेहनत के साथ अपने गुरुजनों द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ रहा होगा और अपने नोट्स को खूब बढ़िया तैयार कर रहा होगा। जब वह अपने विद्यालय आकर के अपने फॉर्म भरेगा तो निश्चित रूप से जो उसके नोट्स हैं वह हम लोगों को प्रेरित करेंगे और हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करेंगे। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, आज के मेरे इस अनुरोध को आप अनिवार्य रूप से गौर करेंगे। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आप सदैव उद्यत रहें। अपने अतीत को जरूर स्मृत करें कि हम लोग किन विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करते थे। आज की परिस्थितियाँ उन विषम परिस्थितियों से उतनी विषम नहीं हैं जितना हम लोगों के अतीत के समय में थी। तो आज का केवल एक उद्देश्य हमारा है कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावक के रूप में उनको उत्कृष्ट साधनों को मुहैया कराएं और उनके साथ बैठ करके उनकी शिक्षा को पूरा करने में उनका सहयोग करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ मैं आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि बच्चों को घर पर सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और उनकी शैक्षिक वृद्धि में, शिक्षा के विकास में उनका सहयोग करते रहें। धन्यवाद।